नमस्कार मेरे भाइयों और उनकी सुंदर बहनों, माय सेल्फ जीत रामपाल, इस कहानी का एक किरदार भी, साथ ही आप सभी के लिए एक सूत्रधार भी। और आज इस अफसाने के रास्ते मैं आप सभी को एक कमाल की बात बताना चाहता हूँ कि जिंदगी के खेल में जब मुकद्दर चाल चलता है तब वक्त भी उसके आगे घुटने टेक देता है। लेकिन क्या मैं सही था, आइए जानते हैं। माता, आप यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ, आज मुझे तुम्हें कुछ खास बात बतानी है। माता, मुझे लगता है आप गलत पते पर आ गए हैं, क्योंकि मैं गरीब हूँ और गरीब के साथ कभी कुछ खास नहीं होता। नो, यू आर थिंकिंग रॉन्ग। अब समय आ गया है कि तुम अपने गरीबी के कच्छे को उतारो और अमीरी के सूट को पहन लो। तुमने एक बचपन से गरीबी की बदबू सही होगी, लेकिन अब तुम्हारे मुकद्दर ने तुम्हें मौका दिया है अमीरी की फ्रेग्रेंस में सेटल होने का। टेक्निकली तो ये कह रहा है कि एक लेडीज। माताजी। हाँ माताजी, तेरे सपने में आती है और तुझे आज का फॉर्चून बताती है, यही ना? हाँ, देख क्या मस्त हेडलाइन लिखा है, मरवा के नहीं थके क्या कोरोना से, जो मरवा रहे हो अंधविश्वास से। और हाँ, इस बकचोदी से तुम दोनों का चूतिया कटना भी मुमकिन है। अल्लाह कसम गुप्ता, तू तो अपनी शक्ल ढक ले, बड़ा मनोस लग रहा है। अबे चुप, चूतिया कहीं का। गुप्ता, ये बातें होती रहेंगी, लेकिन ये वक्त फिर कभी नहीं आने वाला है। आज दिन है कुछ कर दिखाने का। और क्या पता इसी बहाने हमारी तकदीर पलट जाए, टूटे चांद से बासमती चांद में शिफ्ट हो जाए। लेकिन जीत, ये सब होगा कैसे? एक काम करो, तुम लोग मुझे कहीं से 1,00,000 रुपए का जुगाड़ करा दो। जीत, तुम मुझे आज दोपहर तक का वक्त दे, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाता हूँ। मैं भी। भाई, कुछ तो इंतज़ाम करना होगा। हाँ भाई, हमारे भाई ने पहली बार इतने पैसे मांगे हैं, तो कुछ तो अच्छा सोचा होगा। अब कमिटमेंट कर दी तो कर दी, कुछ तो करना ही होगा। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, मेरे पास भी एक आइडिया है।
पास ही अटक गई थी। लगा था कि शायद पैसों का इंतजाम नहीं हो पाएगा। अब साले पैसों का इंतजाम करने अगर हमें पाताल भी जाना पड़ता तो भी जाते, और फिर तो हमें इस गरीबी से जो निकालने वाला है। जीत अब करना क्या है? अब नो आई डोंट। भाई ये कैसीनो है? हाँ इसे जुए का अड्डा नहीं कहते? भाई तू क्यों दिल छोटा कर रहा है, आ तो सही। भाई यहाँ तो घुमाने वाली मशीन ही नहीं है। देखो अलेक्जेंडर के फूफा, ये हिंदुस्तान है, यहाँ रोलेट नहीं, तीन पत्ती चलती है। तीन पत्ती बे यार। भाई तू चुप रहना यार। आइए सर, कौन से टेबल पर खेलना चाहेंगे? वो वाली सर, वो एक्चुअली लिमिटलेस टेबल है। ओ मैडम, हम दोनों आपको लिमिट में रहने वाले दिखते हैं। भाई एक बार फेंकना चालू कर देते हैं ना तो कोई लपेट नहीं पाता। अबे चूतिया है, तू क्यों मेरी मारने में लगा हुआ है? आइए सर। सर चिप्स। यस आई वांट लेस। एंड यू? अरे चीन छोटी है, वो पोकर चिप्स की बात कर रही है, पोटैटो चिप्स की नहीं। लगता है जुआ खेलने पहली दफा आए हो, मालूम है लोगों के कच्चे तक बिक जाते हैं हमारे साथ खेलकर। मैडम पत्ते बांटो, कच्चे किसके बिकेंगे वो तो खेल के बाद ही पता चलेगा। वेट। That's a deal, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a deal, right?
जीत देख, मैंने तुझे कहा था ना, ये गुप्ता भरोसे वाला नहीं है, भोसड़ी वाला है। इस हराम खोर को जैसे मौका मिला नो तो 11 हो गया। लेकिन तू टेंशन मत कर, तेरा भाई रियाज हमेशा तेरे साथ है, ऑलवेज फॉर एवर। आपकी परफॉर्मेंस से आज पूरा कसिनो हैरान रह गया, इसलिए हमारे बॉस चाहते हैं कि आप अपना लक और आजमाएं और वीआईपी जोन में चलकर खेलें। यस, आई लाइक चू। जीत, रहने दे यार, अब बहुत पैसा जीत लिया, अब और नहीं। मुझे और खेलना है रियाज, और तू भूल मत माताजी ने क्या कहा था। मैं जानता हूँ माताजी ने क्या कहा, लेकिन ज़्यादा लालच मत कर। जितना पैसा जीता है उतना काफ़ी है। बस कर रियाज, बापू की तरह लेक्चर देना बंद कर और मिडिल क्लास सोच से थोड़ा ऊपर उठ। मुझे तो लगता है तुझे की माताजी की भविष्य आने पर यकीन ही नहीं है। अबे यार, चल। यस, दिस वे। नमस्ते मिस्टर, हमारे तो भाग खुल गए जो आप जैसे शख्सियत के साथ खेलने का मौका मिला, जिसके चर्चों ने इस कसिनो को हिला डाला। हमने सोचा कि ऐसे आदमी को लाखों में क्यों रहना दें, जो करोड़ों की बाजी खेल सकता है और जीत सकता है। चलो लगाते हैं करोड़ों की बाजियां। बार छोटी छोटी बाजियां जीतकर तुम खुद को बाजीगर नहीं समझ सकते। असली बाजीगर वो है जो यहाँ वीआईपी जोन में खेलकर अपना मुकद्दर का साबित कर सके। एक मिनट, मैं चाहता हूँ कि आप अपने पत्ते भी शो करें। बच्चे, इससे ज्यादा छोटे पत्ते अब क्या ही होंगे। ये पैसा मेरा है, इसे तू कहीं नहीं लेके जा सकता। अबे डराता किसे, दम है तो चला के दिखा। ए पॉलिटिशियन, अपने आदमी को बोल गन नीचे कर है और हमें जाने दे। अरे यार गन नीचे कर लो, ये दोनों साले राहु केतु निकले, अपने को ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये बता तुझे बंदूक मिली कहाँ से। अबे यार, तेरी कॉस्ट्यूम वाली संदूक में रखी थी, मुझे अच्छी लगी मैंने रख ली, और देख इत्तेफाक से काम भी आई। फिर चूती है, नकली बंदूक है वो। आज तेरी इस बकचोदी के चक्कर में अपनी जान चली जाती तो। एकदम बराबर बोले, अगर इस एक्टिंग में तुम दोनों की जान चली जाती तो क्या भाई, दुनिया से दो चूती और कम हो जाते। कौन हो तुम और क्या चाहते हो। अरे डेढ़ सानो, जिनका तुम पैसा लेकर भागे हो ना, हम उन्हीं के पाले हुए कुत्ते हो। सेवक है, छीन लो इनसे इनका बैग, उड़ना दे तो मार मार के भूत बना दो इनका।
तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि रियाज की छाती में मुक्के और सर पर डांडे कितने खौफनाक थे और दर्दनाक। बताइए, मुझे भी शाहरुख़ ने चित कर दिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जीत 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 यार, जीत जीत तू ऐसा नहीं कर सकता यार, उठ जीत, उठो यार जीत। जीत उठ यार, जीत जीत उठ जीत, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता जीत, उठ। क्या वैसे? मैंने जीत को कहा था कि जितना जीता उतना काफी है, ज्यादा लालच मत कर। जीत 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 जीत, तू जिंदा? Absolutely. पर ये बोतल तो तेरे दिल में? जाकोरा के साया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। कैसे? Oh my dear, you haven't seen such a good amount of money in your life till date, but you will see now. हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना कि अपनी पहली कमाई को अपने सीने से लगा कर रखना। साले, बहुत तेज है तू। इसे तेजी नहीं कहते हैं दोस्त, विश्वास कहते हैं, जो मैंने माताजी की भविष्यवाणी पर किया था। लेकिन जो पैसा हम लोगों ने जीता है वो तो वो लोग ले गए। साले गुप्ता हरामी, तूने अभी तक इसे बताया नहीं। यार, बताने से पहले इस चूतिए ने तेरे मरने की खबर बता दी, अब ऐसे में क्या बताता मैं? और ये क्या बदतमीजी है यार, मैं तो इस टीम में हूँ, फिर ये प्लान मुझे क्यों नहीं बताया? अब ये किस लिए? क्योंकि साले तू कभी बोलते वक्त खुद को देखता है, जो तेरे मुंह में आता है वो तो बोल देता है। मुझे पहले से ही पता था कि इस कैसीनो में बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियन तक
और सड़क छाप मवालियों से लेकर डॉन सब आते हैं, इसलिए मैंने गुप्ता को ड्यूटी पर लगाकर सिर्फ तू और मैं कैसीनो में गए थे और वहाँ हंस क्या रहे हो बे, मुझे बैग दिखा। That's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5 stick. You can get high with me. That's a deal, right?